Hello sir, hello ma'am. My name is Vaibhav Raj. I am leader of this project. He is Akashdeep, he is Surya Raj, he is Adit Jaiswal. This project is very important for us. यह प्रोजेक्ट जो है निकोला टेस्ला के द्वारा बनाया गया था 1886 में. निकोला टेस्ला इस प्रोजेक्ट को यह सोच के बनाए थे कि अभी नेचुरल डिजास्टर आने के कारण जितने लोगों की मृत्यु होती है वह ना हो. इसमें कोई भी तार से संबंधित कोई चीज़ नहीं होगी. अगर हम किसी के घरों में लाइन पहुंचाना चाहें तो उसके लिए भी तार का ज़रूरत नहीं है. यह रेडियो वेव्स पकड़कर सभी के घरों में जाता है. जिस तरह से अभी हम अपने मोबाइल को ब्लूटूथ कनेक्ट करके स्पीकर से गाना बजाते हैं, उसी तरह से हम लोग फ्यूचर में आने वाले समय में इसमें सिस्टम में कनेक्ट करके सभी घरों में बिजली पहुंचा सकते हैं. निकोला टेस्ला को इसे बनाने वक्त उनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए वह इस प्रोजेक्ट को पूरा ना कर पाए. हम लोग चाहते हैं कि लोग इसके बारे में जानें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे जानें. इसे बनाने के लिए काफ़ी कम चीज़ें चाहिए. हमारे पास ये सर्किट डायग्राम है जिसमें यह सेकेंडरी कॉइल है जो कॉपर का है, और यह प्राइमरी कॉइल ये भी कॉपर का है, और इसके ऊपर एक एल्युमिनियम का फॉइल बॉल रहता है. यह हम लोग इसमें एल्युमिनियम का रॉड भी डाल सकते हैं. इस तरफ ये बैटरी है 9 वोल्ट की. इस तरफ रेजिस्टेंस है 22 किलो का. ये एलईडी है. इस तरफ ट्रांजिस्टर है 2N22 है. हमें सिर्फ ट्रांजिस्टर एक पीस चाहिए. ट्रांजिस्टर इसका मुख्य पार्ट है. ट्रांजिस्टर के बगैर हम लोग इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं. यह प्रोजेक्ट हमारे फ्यूचर में आने वाले समय में काफ़ी सहायता कर सकता है. हम लोग इसे चला कर दिखाना चाहेंगे. रुक जाओ, पकड़ो तार को. देखिए इस तरफ ये जो कॉपर रॉड है इसमें बिजली आ रही है. अब हम इसे बल्ब जलाएंगे. ऊपर करो लॉक. देखिए बल्ब ग्लो कर रहा है. अभी हम लोग इसमें उतने सक्सेस पे नहीं आए, लेकिन ये बल्ब ग्लो करवा सकते हैं. ठीक से पकड़ो थोड़ा. देखिए बल्ब ग्लो कर रहा है. यह प्रोजेक्ट काफ़ी यूज़फुल हो सकता है हमारे फ्यूचर में आने वाले समय में. थैंक यू सर, थैंक यू मैम. यस यस सर, हम इस सर्किट में रेजिस्टेंस यूज़ किए हैं. ये ट्रांजिस्टर है, और ये जो है ये इसकी एनर्जी को सेव करता है. इसे कैपेसिटर कहते हैं. इस तरफ भी कैपेसिटर है. ये एलईडी बल्ब है, इसे हम चार्ज करने के लिए यूज़ करते हैं, और ये जब हम ऑन करेंगे तो ये एलईडी बल्ब ग्लो करेगी. ये हम लोग का मेन ऑफ है, मेन स्विच है ऑफ करने के लिए, और इससे हम लोग ऑन करते हैं. देखिए जब हम ऑन करते हैं तो ये ग्लो करती है. बल्ब भी देखिए ग्लो करेगा. इस तरफ भी हम लोग कॉइल का इस्तेमाल किए हैं. इस तरफ भी एक ट्रांजिस्टर है. ये सब कैपेसिटर हैं छोटे छोटे से, जो इसकी पावर को होल्ड करने में काफ़ी मदद कर सकते हैं. ये जो कैपेसिटर है इसमें उतना ही इलेक्ट्रिसिटी इसमें भेजता है जितना ये कंट्रोल कर सकता है.